इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी कौन है। तो इसमें सबसे पहले अमेज़ॉन का जो है देख सकते हैं आपके सामने में है, क्या है ये, उनका नाम है जेफ बेजोस और इनका जो है सो नेटवर्थ है 140 बिलियन डॉलर। साला हिला के रख देता है लोग, क्या करता होगा इतना पैसा का। पीपल हु हैव डन इंटरनेट शॉपिंग वुड हैव एक्सपीरियंस अमेजोन डॉट कॉम। सिमिलरली पीपल हु हैव नॉट डन इंटरनेट शॉपिंग वुड हैव हर्ड ऑफ अमेजोन एज वेल। इन शॉर्ट एवरी वन नोज वॉट अमेजोन इज। वी हैव द फाउंडर चेयरमैन सीईओ ऑफ अमेजोन डॉट कॉम, नंबर वन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बॉर्न इन 1964 जे डी प्रिस्टन जॉर्डिनसन ए के जेफ बेजोस has estimated net worth of 140 billion making him the richest person in the world today। हाँ तो यही है, यही वहाँ से है जेफ बेजोस और इनका जो ये जो है richest person in the world है, क्या बताएं इनके बारे में। और ये founder है हमारे Amazon के और CEO भी है और chairman भी है, जो भी हो। उसके second number पे चलते हैं। second number पे हमारे प्यारे सबसे दुलारे जो है बिल गेट्स, इनको तो कौन नहीं जानता होगा भाई। कुछ समय पहले ये सबसे अमीर थे, अभी सेकेंड नंबर पे हैं। कोई बात नहीं, होता है होता है। इनका नेटवर्थ है 97 बिलियन डॉलर और US डॉलर मेरे ख्याल से। हाँ उसके चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द नंबर टू एक्सपर्ट बिलोंग्स टू द विलियम हैरी गेट्स पॉपुलर नोन एज बिल गेट्स। एनी पर्सन हु नो वर्क ऑन द कंप्यूटर वुड हैव यूज्ड हिज प्रोडक्ट एज इज टाइम और द अदर। The founder member of Microsoft Bill Gates had, was born in 28 October 1955. He has topped his list several times since 1995. He has now retired from the company having handling over the reins of CEO Satya Nadella. Satya Nadella Indian hai kya? Satya Nadella Indian hai? Ek minute ruk jaiye, abhi search maar lete hain. सत्य नडेला, सत्य नडेला अमेरिकन एक्सप्रेस, हाँ या सत्य नडेला इंडियन है। चलिए खुशी की बात, वैसे हम भूल रहे थे, हमको पता था कि सत्य नडेला इंडियन है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमको कंफ्यूजन हो रहा था। खैर कोई बात नहीं। अलॉन्ग विद हिज वाइफ मंडेल मेलिंडा ही लुक आफ्टर द बिल गेट एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट फिलेंथ्रोपिक इन। अरे यार आज बहुत क्या बताएं, बारिश हो रहा है इधर। फिलेंथ्रोपिक इन डिवर्स इन द वर्ल्ड विद द एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ 97.5 बिलियन डॉलर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे दूसरे प्यारे वॉरेन बफेट, इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा भाई। ये भी सबसे भयानक आदमी है। इनका 84 बिलियन डॉलर US डॉलर जो है सो नेटवर्थ। और उसके बाद चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर एट नंबर थ्री वी हैव द ओल्डेस्ट पर्सन इन द मैग्निफिसेंट लिस्ट, बॉर्न ऑन 30 अगस्त 1930, वॉरेन बफेट मोस्ट रैंक द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन माइग्रेट एवर। ही हैज टेरिफिक सेंस ऑफ इन इन्वेस्टिंग मनी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लकी आदमी है ये बहुत ज़्यादा। द ट्रेड मेड हिम एक्वायर द टेक्सटाइल कंपनी नेम्ड बेर्किशायर हैथवे and converts into the diverse holding company. The market knows him as the wizard of the investing. With a net worth of $84 billion, he is occupying the third post now. चलिए ये भी मेरे फेवरेट है। उसके बाद इनको हम नहीं जानते हैं। खैर एमेंको एमनिको और टीगा, और इसका जो है सो नेटवर्थ है $78 बिलियन। और आपको एक बात बता दें, हमारे जो है मुकेश अंबानी इस लिस्ट में नहीं है। वो टॉप 10 में नहीं, टॉप 20 में है, टॉप 10 में नहीं है, लेकिन है तो सही। एट द नंबर फोर वी हैव ओमेंको ओर्टिगा, ओनली द थर्ड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द यूएस इन दिस एग्जाइल्ड लिस्ट, बोर्न ऑन 28 मार्च 1936। एमेनिको ओर्टिगा इज ए स्पेनिश बिजनेस टाइकून को फाउंडर ऑफ इंडिटेक्स फैशन ग्रुप। अमेरिका हैज़ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम इंडिटेक्स इन 2011। अमेरिका हैज़ ग्रेटेस्ट फिलेंथ्रोपिक लर्निंग एज वेल, हैविंग डोनेटेड 20 यूरो है मेरे ख्याल से, हाँ 20 यूरो मिलियन टू चैरिटीज
इंटरनेशनल रिलीजियस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन वर्थ 78 बिलियन डॉलर। ही हैज़ ओनली 3 पीपल अहेड ऑफ हिम इन द रेस। उसके बाद चलिए उसके बाद हमारे और ये महाघटिया आदमी मार्क जुकरबर्ग शुरू से ही चोरी करते आए हैं, क्या बताएं इनके बारे में। अभी तो डाटा भी लीक करते हैं इनसे, इनसे तो हमको सख्त नफरत है। खैर कोई बात नहीं, है तो है लिस्ट में इसके। चलिए इसके हु नोज, अगर आपको मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानना हो कैसे उन्होंने फेसबुक फाउंड किया, तो आप द सोशल नेटवर्क एक मूवी है आप देख सकते हैं, इंग्लिश में होगा मेरे ख्याल से, हिंदी में नहीं है, पता नहीं हिंदी में है या नहीं, बहुत पहले देखे तो याद नहीं है इंग्लिश में था या हिंदी में, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इनका है हु डज नॉट नो मार्क जुकरबर्ग नोन एज द लॉन्चिंग फेस ऑफ फेसबुक अन आर्ग्यूएबली द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल, एवरी पर्सन हैविंग ए फेसबुक अकाउंट शुड हैव हर्ड ऑफ हिम, दैट शुड मेक हिम द एनी पॉपुलरिटी कॉन्टेस्ट हैंडसन। बॉर्न ऑन 14 May 1984, मार्क इज द यंगेस्ट पर्सन इन द एग्जिलिस्ट। When he launched Facebook, he was only 20 years old. The journey of Facebook from a dormitory room of Harvard University to every home in the world in the stuff of dream. At present, Mark is number 5 with a net worth of $72 billion. Only time can tell where he would eventually end up in the future. खैर इनका देख लीजिए फेस, इनको इनसे तो हमको सख्त नफरत है। खैर के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है चार्लोस स्लिम, इनका है 68.7 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद इनका है उसके बारे में चार्लोस स्लिम हीलू, बॉर्न ऑन January 28, 1914, इज अ मैक्सिकन बिजनेसमैन, माइग्रेट इंजीनियर, इन्वेस्टर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। फ्रॉम 2010 to 2013, स्लिम वॉज रैंक द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बाय the Forbes Business Magazine. He derived his fortune from extensive holdings in the considerable number of Mexico companies through the his conglomerate group Grupo Corso. क्या भाई, as of August 2018, he is the 6th richest person in the world with a next worth estimated $68.7 billion. ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन मैक्सिको, ओके ऑफ कोर्स होगा यार रिचेस्ट पर्सन में। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है लेडी इल्सन, ये भी बहुत अच्छे आदमी, पता नहीं क्या लेकिन फिर भी जो भी हो। उसके बाद है इनका एस्टिमेट वर्थ है 60.4 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं, दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, देयर फॉर यू कैन फाइंड अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द टॉप 10 लिस्ट एट द नंबर 9। We have the first such entry in the form of Lawrence Joseph Ilson, born on 17 August 1944. Lawrence, better known as Larry Ilson, is the co-founder of Oracle Corporation. Oho, Oracle का यही है, हमको पता नहीं था। क्या यार कोई बात नहीं। He was the CEO of the company until as recently in September 2014. See the fickle nature of his list. He had the prepared this list in February. He would have been the higher than the present number 7. Today his worth is 60.4 billion US dollar, up to the 55 billion US dollar. चलिए उसके बाद है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, 64.6 बिलियन US डॉलर इनका वर्थ है। इनके बारे में पढ़ते हैं, बर्नार्ड जीन स्टीने अर्नॉल्ट इज द फ्रेंच बिजनेस मैगजीन एंड इन्वेस्टर एंड आर्ट कलेक्टर। अर्नॉल्ट इज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LVMH, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द यूरोप एंड द 8th richest person in the world. He is with the net worth of 84.6 billion dollar. ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है हमारे डेविड कोच, 9th नंबर पे है, नेट वर्थ है इनका 48.5 US dollar billion में। और चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, डेविड हैमिल्टन कोच इज एन अमेरिकन बिजनेस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड केमिकल इंजीनियर। ही ज्वाइन द फैमिली बिजनेस कोच इंडस्ट्रीज, द सेकेंड लार्जेस्ट। ही इज द 9th richest पर्सन इन द वर्ल्ड, द नेट वर्थ 48.5 billion. The privately held company in the United States. In 1917, he became president
of subsidiary course engineering in 1979 and became a co-owner of Koch industry with older brother Charles. In 1983 he served as the executive vice president until his retirement in 2018. तो चलिए आखिरी है हमारे पास टॉप 10 richest person में चार्ल्स कोच, नेटवर्थ है इनका 48.4 बिलियन US डॉलर। और इनके बारे में पता है चार्ल्स डी गेंडहेल कोच इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन, पॉलिटिकल डोनर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ही वॉज रैंक्ड एज द 10th richest पर्सन इन द वर्ल्ड एज एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ 48.4 बिलियन US डॉलर। चार्ल्स कोच हैज़ बीन को ओनर, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोच इंडस्ट्री सिंस 1967। ओके, इन महाशय का तो लंबा है। खैर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल अभी टॉप 10 में कौन है। इनसे तो हमको सख्त नफरत है, क्या कहें इसके बारे में। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।